नमस्कार, आदर्श हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा में दो बार विधायक रह चुके सोहनलाल। सोहनलाल एक ऐसा व्यक्तित्व है जो अपने सरल व सौम्य स्वभाव के कारण लोगों में खासे लोकप्रिय है। लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई पंचायत से अपने राजनीतिक करियर का शुरुआत कर इन्होंने दो बार पूर्ण सीमांकन से पहले कुसुमटी विधानसभा क्षेत्र का प्रदेश विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया है। आज हम इनसे ही जानेंगे इनके राजनीतिक करियर के उतार चढ़ाव और अन्य राजनीतिक पहलुओं के बारे में। सोहनलाल जी, स्वागत है आपका। सर, आप थोड़ा सा बताएंगे आपको अपने राजनीतिक करियर के बारे में, कैसे शुरुआत हुई और कैसे आपने आगे बढ़े आपने? जहाँ तक विधायक बनने की बात है, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं विधायक बनूंगा, ना मैं इस तरह के कभी सपने देखता था। लेकिन जब समय आता है, समय बोलते हैं इंसान बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है और ऐसे सारे हालात जो हैं, सारे वातावरण ऐसा बन गया कि मुझे लोगों ने, मैंने टिकट मांगा था ये 2003 में, मुझे टिकट नहीं मिला, टिकट किसी दूसरे व्यक्ति को मिल गया और इसलिए मुझे जो है लोगों ने कहा कि आप जो है इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। मेरी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन लोगों ने मेरे को मजबूर किया और लोगों की भावना का मुझे सम्मान करना पड़ा और मैं बिल्कुल तैयार हो गया और मैंने ये चुनाव लड़ा और बहुत अच्छे मतों से, मैं लगभग 4000 मतों से चुनाव जीता और मुझे एक ऐसा मौका मिला जिससे मुझे लगा कि लोगों और जो जनता का प्रतिनिधि होता है उनका आपस में जो संबंध है वो किस प्रकार का होना चाहिए, किस तरह से हमको अपनी भूमिका निभानी है, उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत मैंने एक भक्ति के रूप में, मुझे वैसे मेरा आध्यात्मिक लाइन रही है शुरू से, इसलिए मुझे एक जो संस्कार मिले सेवा के वो उस आध्यात्मिक लाइन से मिले और मैंने सेवा के रूप में किया और लोगों से जब मैं मिलता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, अपनी बात शेयर करने का मौका मिला और लोगों की समस्याओं का समाधान करने का मौका मिला, तो मुझे कोई भी बात मुश्किल नहीं लगी और इसी के चलते मुझे दूसरी बार फिर से जो है पार्टी टिकट पे मुझे टिकट मिला और मैं तो विधानसभा का लगातार दूसरी बार विधायक बना। तो मैं दो बार जो है, क्योंकि कुसुमटी चुनाव क्षेत्र एक ऐसा चुनाव क्षेत्र रहा है जहाँ पूरे प्रदेश के लोग रहते हैं, तो मेरा सभी लोगों से, मेरे पास चाहे कहीं से भी कोई लोग आते थे, चाहे वो कहीं किसी भी जिले का होता था, मैंने सबके प्रति समान भावना से काम करने की प्रयास किया है ताकि किसी को ऐसा ना लगे, जो मेरे पास कभी कोई आदमी आता था किसी उम्मीद को लेकर आता था तो मैंने कोशिश करी कि उसकी जो समस्या का जो मैं समाधान कर सकूँ, ये उसमें अपना मैं सौभाग्य समझता था। पूर्ण सीमांकन के बाद कुसुमटी विधानसभा क्षेत्र बदल गया और वो ग्रामीण क्षेत्र शिमला ग्रामीण एक नई सीट बनी और राजा वीरभद्र जी के लिए आपको वो सीट छोड़नी पड़ी। तो आपको कभी लगा कि अब आपका राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है, इसके आगे आप एक नई शुरुआत नहीं कर पाएंगे या फिर करियर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे? ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कोई महत्वाकांक्षी लोगों में से नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि मैंने सेवा के रूप में राष्ट्र को अपनाया और सेवा के रूप में मैंने किया भी, उसको पूरी तरह से निभाने की कोशिश की। जब ये पुनः सीमांकन हुआ, डिलिमिटेशन हुआ, तो उसमें पहले से ये लग रहा था कि ये पुनः सीमांकन होगा और रोड उसमें जो रिजर्व होगा और हमारा जो कुसुमटी था वो ओपन होने की बात चल रही थी, लेकिन उसमें प्रोसेस में लगभग देर हो गई और वो एक साल एक टेंडर मुझे और मिला। ये पहले टेंडर की बात थी जब ये बात चल पड़ी थी, लेकिन मुझे दूसरा टेंडर और मिला और जब पुनः सीमांकन में हमारा जो ये चुनाव क्षेत्र था जो हमारा शिमला ग्रामीण के नाम से बना, क्योंकि वैसे तो आर्थ विधानसभा चुनाव है शिमला जिला के अंदर और उसमें जो सुन्नी और कुमारसेन था उसको कुमारसेन को ठियोग में मिला दिया गया और सुन्नी को यहाँ निकाल करके, सुन्नी का जो हिस्सा था उसमें 26,000 वोटर उनके थे और हमारा कुसुमटी से 42,000 मतदाता हमारा कुसुमटी से निकला और उसका नया नाम जो था वो शिमला ग्रामीण के नाम से रखा गया। और तब ये बात ठीक है कि ऐसा मेरा, मैंने चुनाव लड़ना था, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लोगों की भावना थी कि मैं फिर से चुनाव लड़ूं, लेकिन इसी बीच में जो है पार्टी की एक जो होती है उसमें आदनी राज साहब ने इच्छा व्यक्त करी कि मुझे यहाँ से चुनाव लड़ना, बल्कि मैंने उनको सुजेस्ट किया, मैंने उनसे आग्रह किया कि आपको जो है शिमला ग्रामीण से चुनाव लड़ना चाहिए और आपको यहाँ सबसे अच्छा रहेगा और आप अच्छे मार्ग से जीतेंगे, और ऐसा हुआ भी। क्योंकि मेरी भावना ये नहीं थी कि मैं अपने आप को विकसित करता, मैं तो दो बार विधायक रह चुका था, मेरी एक भावना लोगों के प्रति जो थी सेवा भावना थी, मैं चाहता था कि कोई बड़ा व्यक्तित्व, बड़े कद का नेता हमारे क्षेत्र में आए और हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे ताकि हमारे लोगों का समुचित विकास हो सके और हर लोगों की मतलब जो आकांक्षाएं वो पूरी हो सके, मेरी ये इच्छा थी। मुझे कोई अपने आप को उसमें वो नहीं करना था कि मैं फिर से विधायक बनता, और ये हमारा सौभाग्य था कि आदनी राज साहब यहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा और 20,000 मतों से वो यहाँ से जीते और वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और इस तरह से जो है उन्होंने पूरे, जहाँ पूरे प्रदेश को एक
पूरे समान रूप से विकास किया। वहाँ हमारा जो छुमटी ये शिमला ग्रामीण जो चुनाव क्षेत्र है, जो नया चुनाव क्षेत्र बना, उसमें भी उन्होंने विकास की कोई कमी नहीं रखी और इस बात से सभी लोग जो है वो काफ़ी खुश भी थे और सेटिस्फाई भी थे। शिमला ग्रामीण से जैसे वीरभद्र जी लड़े और छठी बार मुख्यमंत्री बने, 6 बार उनको मुख्यमंत्री रहे हैं और माना जाता है कि आपके ऊपर उनका खास तौर पर आशीर्वाद है, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में आप उनकी कैसी भूमिका देखते हैं और क्या लगता है कि वो एक मुख्य भूमिका में नजर आएंगे लोकसभा चुनाव में? सबसे पहले तो मैं राज साहब का बहुत आदर करता हूँ। मुझे उनको उनका मेरे ऊपर पहले से भी आशीर्वाद रहा, जब मैं 2 बार विधायक रहा, जब मैं पहली बार विधायक बना, उनका बहुत आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है और मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि मेरे लिए तो वो पिता के समान है वैसे भी, और वो तो एक बड़े मतलब कद्दावर नेता रहे हैं जिनका प्रदेश में नहीं, वो हमारे देश का भी उन्होंने प्रतिनिधित्व मंत्री के रूप में किया, विभिन्न पदों पर रह के किया और ऐसे शख्सियत हैं, मैं समझता हूँ बहुत कम, उनका 50 साल से भी ज़्यादा राजनीतिक जो है वो जीवन है, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है। तो मैं मेरा एक हमेशा कोई मेरे राजनीतिक परिवार से तो आता नहीं था, मैंने तो ये सारा नीचे से जैसे पंचायती राज में आया तो मैंने कुछ इस तरह से सीखने की कोशिश करी, और हमारे लिए जितने भी जो बड़े शीर्ष नेता हैं वो सब आदरणीय हैं, हम सबका सम्मान करते हैं और आदरणीय राज साहब तो उनका तो अपना स्थान है और उनके लिए बड़ा आदर भाव है, और उनका मैं समझता हूँ कि जब अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो उनका पूरा आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा और यही मैं उनसे अपेक्षा भी करता हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी जैसे उन्होंने जब चुनाव लड़ा तो उन्होंने मेरे को कवरिंग कैंडिडेट भी रखा बनाया और मैंने उनके लिए पूरा काम किया, उनके लिए कोई दिक्कत भी नहीं आई क्योंकि कोई कंट्रोवर्सी मेरे चुनाव क्षेत्र में नहीं थी, बड़ा स्मूथ वातावरण था। और इस तरह से अभी उसके बाद जब उनके जो सपुत्र है आदरणीय टीका साहब, उन्होंने चुनाव लड़ा तो मैंने उनके लिए भी पूरा दिल जान से काम किया और वो भी यहाँ से विजयी हुए, तो मेरा जो फर्ज था मैंने उनके प्रति निभाया है। और ऐसा मैं अपेक्षा नहीं करता हूँ कि मैंने कोई उसके बदले में उनसे कुछ चाहता हूँ या कोई ऐसी बात है, लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति आती है, लोगों की भावना मेरे प्रति जो पहले से लेकर जुड़ा, लोगों का एक भावनात्मक रिश्ता जो जुड़ा है उसके चलते अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, कोई टिकट की बात आती है, कोई ऐसी बात आती है, तो मैं ये जरूर मतलब चाहूँगा कि वो मेरे साथ उनका पूरा उनका जो आशीर्वाद वो बना रहेगा और रहेगा। आप लंबे समय से राजनीति से जुड़े हैं और शिमला संसदीय सीट की बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में यहाँ पे भाजपा ने कांग्रेस कैंडिडेट को बहुत भारी मतों के अंतर से हराया था। आपके हिसाब से आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या एक तो कांग्रेस का उम्मीदवार आपको लगता है कि किस तरह का होना चाहिए जो भाजपा को टक्कर दे सके? ऐसा है, मैं 2 बार जब विधायक राजसमती का तो यहाँ से कभी भी दूसरी पक्ष को कभी कोई लीड नहीं गई है, यहाँ से हमेशा कांग्रेस की लीड रही है, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। उसके बाद ऐसा नहीं मैं मानता कि यहाँ से भले ही यहाँ भाजपा की सरकार है या दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है, आज लोगों का जो सोचना है जो मानना है वो इन चीज़ों से ऊपर उठकर लोग चाहते हैं कि ऐसा कैंडिडेट सामने आए जो हर तरह से मतलब सक्षम भी हो और लोगों के साथ जिसका अच्छा एक नज़दीक का तालमेल जो बना के चले और लोगों की समस्याओं का समाधान भी कर सके, तो लोग ऐसे कैंडिडेट को चाहते हैं। अगर हमारे जो पार्टी हाईकमान है, मैं ये पार्टी हाईकमान की बात भी करूँगा, आज अगर नेशनल स्तर पर हम देखें तो जो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी है, जो हमारे नेशनल के जो इसके अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जब स्टेटों के चुनाव आते हैं वो दिन रात लगे रहते हैं, और आदरणीय हमारी जो सोनिया गांधी जी है जिन्होंने मतलब ये जो परिवार है एक तरह से ये एक बलिदान इन्होंने देश के लिए दिया है वो हमारे सामने है, चाहे इंदिरा जी की हम बात करें चाहे हम राजीव जी की बात करें, तो इनके प्रति जो लोगों का एक है, आज बात ठीक है कि दूसरी पार्टियों ने एक बहुत मतलब ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करी है जिससे लोगों का जो ध्यान जो है वो दूसरे तरफ बांटने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा देश के हित में नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, जो हम कहते हैं या बोलते हैं वो प्रैक्टिकल व्यवहारिक उसको हम उसको रोक दें और वो चीज़ सामने ऐसे लोगों के आनी चाहिए ताकि लोगों को विश्वास बन सके कि जो भी ठीक है समय जैसा नहीं रहता है सरकार। अब यहाँ ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है और दूसरी पार्टियाँ तो कम उसमें आई है, कोई सुबह को मैल नहीं बन जाते। आज जो स्ट्रक्चर आज जो हम देश को देख रहे हैं जो इतना बड़ा कुछ है ये कांग्रेस पार्टी की देन है, और हम दूसरी पार्टी का भी मैं कोई ऐसा विरोध नहीं करता हूँ, ठीक है देश सबका है, सबको कंट्रीब्यूट करना है देश के लिए समाज के लिए, लेकिन मैं इस बात के जरूर मैं खिलाफ हूँ कि मतलब कहने के लिए बहुत कुछ बड़ी बड़ी बातें होती है, बोलना तो बहुत आसान होता है लेकिन उसको प्रैक्टिकल शेप देना, उसको सही ढंग से व्यवस्थित ढंग से चलाना ये बहुत कठिन काम होता है, या सरकार कोई भी बने। मैं समझता हूँ कांग्रेस सरकारें जब भी देश के अंदर रही है प्रदेश के अंदर रही है उनका एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है और उस हिसाब से उन्होंने काम किया है। लोगों को ऐसा लगता है कि जब जब भी ऐसी कांग्रेस की सरकारें रही है तब तब जो है मतलब प्रदेश में एक स्थिर वातावरण और हर तरह से ठीक मतलब स्मूथ चला है।
आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या हम आपकी कोई प्रभावी भूमिका देख पाएंगे? ऐसा अपने आप को मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि मैं कोई ऐसे दावेदार हूँ, सशक्त दावेदार हूँ या मैंने इस तरह का कोई दावा किया है। ये बात ठीक है कि लोगों की, जैसे मैंने कहा कि लोगों की भावना मेरे साथ जरूर जुड़ी है और बहुत सारे लोग जो है ये चाहते हैं कि मुझे ऐसा मौका मिले, तो मैं लोगों की भावनाओं का बिल्कुल दिल से हृदय से सम्मान करता हूँ और करता रहा हूँ पहले से लेकर के। अगर कोई ऐसा मौका आता है और पार्टी हाईकमान और हमारे जो शीर्ष नेता जो स्टेट के हैं, प्रदेश के हैं, अगर वो ऐसा कोई उचित समझते हैं गुण और दोष के आधार पे अगर वो निर्णय करेंगे टिकट का, टिकट आवंटन का, अगर कोई मुझे भी वो ऐसी कोई जिम्मेदारी देंगे तो मैं उसको बखूबी निभाने के लिए तैयार हूँ और सक्षम हूँ। मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं रही है, मेरी जो सेवाएँ रही है पहले भी मैं बिल्कुल तत्पर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती और मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर जब मैं दूसरों के काम जो अपना समय दे सकूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसी से मेरा जो है हमेशा एक सेटिस्फेक्शन के लिए, मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने कभी मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की हो या उनको खुश करने की बात करी हो, मैंने हमेशा अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए काम किया और सेवा के रूप में काम किया। उससे मुझे ऐसा लगा कि संसार में हमारा एक जो रोल है वही सब कुछ है और हमारा बढ़िया रोल करना है, उसको मैंने करने की हमेशा कोशिश की है। प्रदेश सरकार का एक साल का कार्यकाल होने वाला है, तो आप क्या सेटिस्फाइड है भाजपा सरकार के कार्यकाल से? ऐसा है, मैंने जैसे कहा कि बातें तो बड़ी बड़ी होती है लेकिन उसको मतलब अमली जामा पहनाने के लिए बहुत सारी दिक्कतें बीच में होती हैं और ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है सरकार के ऊपर वो कैसे व्यवस्था को चलाते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाषण तो बड़े बड़े होते हैं, बातें भी बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन मैंने देखा जहाँ तक क्राइम की बात है वो भी बड़ा है, बलात्कार के केस देखो आप, वो भी मतलब उसकी भी बढ़ोतरी हो रही है। तो जब तक लोगों को सबसे पहले तो ये होता है कि उनको अमन चैन और एक अच्छा वातावरण मिले और उसमें इस तरह की कोई मतलब ऐसी घटनाएँ ना घटें, और जैसे क्राइम बढ़ रहा है, 40 केसेज क्राइम के हो चुके हैं, मर्डर के हो चुके हैं, दूसरे 70 के आसपास मैं समझता हूँ बलात्कार के हो चुके, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और उसमें मैं समझता हूँ सरकार का लोगों को भी सहयोग करना चाहिए, सरकार का सहयोग करना चाहिए और डिपेंड तो सरकार पर ही करता है सब कुछ भी, किस तरह से वो चलाती है, किस तरह से दूसरों का सहयोग मांगती है। मैं समझता हूँ पक्ष और पक्ष और विपक्ष की जो भूमिका होती है वो एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है, निर्भर सरकार पर ही करता है कि किस तरह से लोगों का सहयोग मांगती है या विपक्ष का सहयोग मांगती है, तो उन पर भी डिपेंड करता है। इसलिए मैं समझता हूँ कोई इतने मतलब उसमें हम जो जनता से चुनते हैं कोई इतना मतलब संतोषजनक जो है लोगों की आवाज़ नहीं है, तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं। धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ दो बार के विधायक, कांग्रेस के पूर्व विधायक सोहन लाल। इन्होंने हमें बताया कि लोकसभा चुनावों के लिए ये किस तरह से अपनी तैयारियां कर रहे हैं और किस तरह से कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए ये दिन रात जुटे हैं। आदर्श हिमाचल के लिए मैं टीना ठाकुर।